कथापक निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी शरणं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोलत ज्यों बुलाओ क्यों नानक दास बोले। सन्मान गुरु सत संग जीओ फतेह प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक लड़ीवार विचार दास ने काफी दिन आप इस पावन स्थान पर आरंभ की हुई कि कायनात विच ब्रह्मंड विच अकाल पुरख ने पंजां दी गिणती नूं प्रधान रखिया है। थोड़ा रिपीट कर दें, तत् पंज ने, शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने और रस पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। इस तरह कलगीधर पिता ने पंजां दी गिणती नूं ब्रह्मंड विच प्रधान वेख के पंज ही बाणियां झोली विच पाईआं। गुरु नानक देव जी महाराज ने अध्यात्मक मंडल दीआं पंज ही स्टेजां दा जिक्र कीता है। धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड और सच खंड। पंज खंड, पंज अवस्था। इस पंज खंडा दे भी विचार अगर माहौल बनया आप जी के सामने रखने की कोशिश करांगा। प्रथम आज ये पंज बाणियां, पंज बाणियां विच आखिरी बाणी है आनंद। मनुख की मंजिल है आनंद, मनुख के प्राणा की तड़प है आनंद, मनुख की चाहत है आनंद, आनंद की प्राप्ति का वसीला है जप। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। सारे धार्मिक कम तू निष्फल समझ ले जप तो बिना, अगर जप नहीं तो। कल तशरीह की तीसी जप सच दा करना, सच व्यक्ति नहीं एक शक्ति है। जप रसना नाल करना है, एक दो जीबो लख होवे लख होवे लखवीश लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। और फिर होर शब्द विच वी सतगुरु ऐसा कहिंदे ने रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। गावीए सुनिए मन रखिए पाओ। जपना रसना नाल है, जपना सच नो है और जपना अमृत वेले है। अगर कोई ए जप जारी रखे अमृत वेले, महिमा बड़ी है अमृत वेले की। सतगुरु आप कहने ने हर अमृत वेले वत्ते का बीजेरा भगत खाए खर्च रहे निखुटेरा। बड़ी बख्शिश बड़ी रहमत है। अगर ये जप अमृत वेले चलता है रसना ना, जैसे कल दसे ऐसी जबान गायन करे ते कान सुन वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, इस तरह रसना जपदी रहे ते कान सुन दे रहे। शब्द कन्ना राही अंदर प्रवेश करेगा। जैसे छकिया होया भोजन जो मुंह दे राही छकिया जाता है और जैसे उसनु कंठ तो थले करते हैं एक कुछ समय बाद फिर पचदा है, रस बनता है, खून बनता है, मिंज बनता है, मांस बनता है। जपे होया शब्द जो कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करता है बस यही आनंद बन जाता है, यही समाधि बन जाता है, यही परम प्रकाश बन जाता है, यही दैवी गुण बन जाता है। छपिया होया भोजन कदों खून बनेगा कि परमात्मा नूं पता है, सानू नहीं। साडा कम है भोजन छकना, खून बनाना साडे हथ च नहीं, ये प्रभु आप बनांदा है। जप करना साडा काम है, ये जप समाधि बने आनंद बने ये अकाल पुरख दे हथ च।
ये प्रभु वेगा। इस वास्ते दुनिया भर के समाधिलीन महापुरुषा ने यही आख्या उसकी बख्शिश उसकी रहमत उसकी बख्शिश उसकी रहमत। जप रसना नाल करना, जप अमृत वेले करना है और जप सचदा करना है। ये जप जारी रहे है तो एक दिन ये जप जाप बन जाता है। तुसी आखोगे जाप दे ते जप दे अंतरा की है, अंतर है। जप रसना करती है, जाप प्राणा नाल चलता है। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुर जन्म ना पाऊं। इसका मैं थोड़ा जहा खुलासा थोड़े सामने करना है और जेडे कोई थोड़ा बहुत अभ्यास करते होंगे उन्होंने शायद इस रुचि हो गए। जेडे इस मार्ग के पांदी नहीं ने, इस मार्ग के चलन का शौक भी नहीं है, शायद उन्होंने ये विचार बहुत ही लाभकारी ना हो। जो जप करते हैं, जप करन की तड़प रखते हैं, इस मार्ग पर चले गए, जप जाप बन जाता है। जाप शब्द प्राणा विच रम जाता है। असी जो बोलते पाए प्राणा करके बोलते पाए, देही माटी बोले पवन, श्वासा करके तो बोलते। अगर श्वास नहीं, देखो लाश पई है, मिट्टी की ढेरी पई, वो पानी भी है, मुर्दे च पानी भी पै, बोलता नहीं पै, क्योंकि श्वास नहीं रहे, पवन नहीं रहे, प्राण नहीं रहे। बोलते तो प्राण नहीं, बोलती के पवन है। देही माटी बोले पवन, जब बोलना पवन करके तो सतगुरु देव जी महाराज तत्ता दे चाहो सिरमौर तक गुरु पवन मनते, पवन गुरु पानी पिता माता दर्त मात, क्योंकि बोलना पवन करके है। जैसे श्वास करके ही असी बोलते हैं, पवन करके ही असी बोलते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु जब इस तरह कोई जप करता है तो नाभी पे चोट पैंदी है। नाभ जिसका एक नाम देश विच है धुनी, ते धुनी दे अखरी अर्थ की ने, जिथों धुन उठती है, जिथों आवाज उठती है। ये जो जबान बोलती पई है, पता है धुन कितों उठती है? नाभी तो उठती है, नाभ तो उठती है। इस वास्ते इसका नाम है धुनी। जब पवन चोट कर दिए वाहिगुरु, जैसे पवन चोट कर दी है और जितनी जोर दी चोट कर दी है, ये ध्वनि उत्थों उठती है। जितों उठती है उदा ना ही तो नहीं पै गया, वैसे उसनों नाभ कहते हैं। नाभ वाहिगुरु वाहिगुरु कहते हैं, उठे चोट पहुंचती है। थोड़ी जी नाभ खुलती है, वो आवाज निकलती है, उस आवाज न कहने पराबाणी। वो फिर हिरदे तक पहुंचती है, कहने पसंती बाणी। वो कंठ तक पहुंचती है, कहने मधमा बाणी। उन्होंने जबान बयान कर देती, कहने बैखरी बाणी। जो जबान बोल रही है ये सब तो पहले नाभी तो उठी, थोड़ी जी नाभी खुलती है चोट न, शब्द की चोट न थोड़ी जी खुलती है, उतों यह धुन उठती है। बारों शब्द की चोट न, बारों पवन की चोट न। वाहेगुरु 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 कहते ने, एक दिन ऐसा आंदा है कि नाभ पूरी खुल जाती है। तो जैसे खुल जाती है तो फिर जबान द्वारा वाहेगुरु वाहेगुरु आखण की लोड़ नहीं पैंदी, श्वासां विच चल पैंदा है वाहेगुरु वाहेगुरु। इसका जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवां। शब्द के प्राणा च वस गया, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। बोलना सानू पैंदा है, वाहेगुरु वाहेगुरु करन लई पुरने चाहिए, सोच चाहिए है। पर श्वास असी नहीं चला रहे, इत ऑटोमैटिक ने अपने आप ने प्रभु के हाथ च, प्रभु डोरी आप तुम्हारे। श्वास असी नहीं चला रहे, अपने आप चल रहे हैं। जबान नू चलना पैंदा साडे कंट्रोल विच, बोलना नहीं बोलना तो रुक जाना है। श्वास साडे हाथ च नहीं है, अपने आप चल रहे हैं।
ये दौड़ी प्रभु दे हथे च है। एक ऐसी अवस्था बन जाती है शब्द प्राण च रंग जाता है, तो श्वास अपने आप पे चल दें, शब्द अपने आप चल रहा है। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरखा जाए, कोई दम व्यर्थ नहीं जाता, हर दम बेच वाहे गुरु चल रहे हैं। दो हालत बेच ए नाभी खुलती है, ये धुनी पूरन खुलती है, दो हालत। एक कहते ने जब मौत चोट कर दी है, जिदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च भी है, आज काल खुले तेरी गांठड़ी, गगन दर्ज अज कल बेच ए तेरी गंढ खुलने वाली। जब मौत चोट कर दी है, तो मौत सब तो वड्डी चोट है, बहुत वड्डा ऑपरेशन है, प्रकृति कर दी है, सारे शरीर दे चों प्राण ते चेतना जीव नू कढ़ के किसी होर शरीर दे च पाना है, बहुत वड्डा ऑपरेशन है। ये छोटे मोटे ऑपरेशन ने कि किसी का एक गुर्दा कढ़ के दूसरे दे अंदर पाना, एक नस नू कढ़ के दूसरे दे जहर पाने, ये छोटे मोटे ऑपरेशन ने। और ऑपरेशन जब डॉक्टर भी करता है तो मरीज नू बेहोश कर देता है। आत्मा एक शरीर दे चों कढ़ के दूसरे शरीर दे च पानी है, तो मौत दे समय मनुख बेहोश हो जाता है, कुदरत भी बेहोश कर देता है, प्रकृति भी बेहोश कर दी है, वरना पीड़ा मनुख सहार नहीं सकेगा कि सारे शरीर दे चों प्राण निकलन ते मनुख ते फिर बहुत तड़पता है, प्रकृति बेहोश कर देती है। जैसे चीरा फाड़ी करनी है, ऑपरेशन करना है, डॉक्टर बेहोश कर देता है, वह महान डॉक्टर जो परमात्मा है वह भी मनुख को बेहोश कर देता है, जब बहुत वड्डा ऑपरेशन करता है, एक शरीर के चो आत्मा कढ़ के हम दूसरे च पानी, इतों प्राण कढ़ के हम दूसरे च बने, ढांचा दूसरा बनेगा। यह प्रकृति एक बहुत वड्डा ऑपरेशन करती है। मौत के समय नाभी से चोट पहुंचती है, और जो नाभी पूरी खुलती है, ये धुनी पूरी खुलती है, ये गंढ पूरी खुलती है, तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसका जिक्र किया है, हथ मरोड़े तन कपे स्याओ होवा से, हथ मरोड़े जब प्राण निकल दे ना तो गंढ खुलती है, एन मुठियां बंद होंगे मरदे हुए बंदे की, दंद वजदे शरीर के उत्ते कंबड़ी छिड़ जाती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याओ होवा से, शरीर के उत्ते स्याही दौड़ जाती है, तो फिर शरीर चिट्टा हो जाता, खून पानी हो जाता है, अंतिम समय यह हालत होती है। एक तो वह हालत है कि मौत नाभी पर चोट करती है, तो नाभ पूरी खुल जाती है। एक कोई जप कर रहा है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, किसी दिन ऐसी घटना करती है कि चोट पूरी लगती है नाभी पर, नाभ पूरी खुल जाती है, गंढ पूरी खुल जाती है, जीवदे आ जी वो उदो खुलती है जब मनुख मरण लगता है, और खुलदिया मर जाता है। और कोई जप कर रहा है कि जप द्वारा जब यह गंढ खुलती है तो नवी जिंदगी मिल जाती है, यह जीवन से मर जाता है, नवी जिंदगी मिल जाती है। धार्मिक बंदे का एक नाम है द्विज, दूजा जन्म, यह हम होर जन्म हो गया, इसी जन्म के चो होर जन्म हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी से भी बात है, सतगुर के जन्मे गवन मिठाया, गुरु के घर जन्म हो गया है, जन्म मरण मिट गया, जीवदिया जी गंढ खुल गई है, ये जीवन मुक्त है, जन्म मरण तो रहित हो गया है। पर खुली है मौत के समय, अंतिम समय ये फिर किसी होर जन्म में पै गए, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लमे। जैसे ये जप करद नाभ खुल गई है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और नाभी दे पूर्ण खुलन का जो है पहचान की है, श्वासा दे शब्द रंग जाता है, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुर जन्म ना, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए,
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਬਾ ਲੱਬੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪਿਆਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ, ਖਾਲੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਮ ਤੇਰੇ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ। ਲਬਾ ਲੱਬੇ ਕੁਨ ਦਮ ਬ ਦਮ ਨੋਸ਼ਕੁਨ ਗਮੇ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ਕੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥਾਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਐਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਅਨੰਦ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਭੁੱਲ ਮੈਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਮੈਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਏ ਬਰਨਫ ਸੇਵ ਕੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਲਸਤ ਅਲ ਗਿਆਜ਼ ਅਜ ਵਫਲਤੇ ਮਾਂ ਅਲ ਗਿਆਜ਼। ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਦਮ ਅਕਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਬਰਨਬ ਸੇ ਬੇਹੂਦਾ ਗੁਲਸਤ ਅਲ ਗਿਆਜ਼ ਅਜ ਗਫਲਤੇ ਮਾਂ ਅਲ ਗਿਆਜ਼। ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਚ ਕੇ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ, ਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਮਾਸ ਬਣੇਗੀ, ਮਿੰਜ ਬਣੇਗੀ, ਚਰਬੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਛਕਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਨਗਰ, ਇੱਕ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਪਰਾ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪਰਾ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਚੋਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਦਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ओपरा फोन चढ़ाते हैं तां ये जिंदा है। इस तरह के मरीज मैं अपनी जिंदगी सिर्फ दो देखे ने, नहीं बनता पर ऐसे ते मैं लख ही देखे ने, जप ते करते ने जाप नहीं बनता, रसना नाल ते जप लेंदे ने, प्राणा विच नहीं है, प्राण खाली ने, श्वासा विच कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, कदी कदाई कोई ऐसे मरीज देखण नूं मिलदे ने एक दो, जो भोजन छक देन ते खून नहीं बनता। ऐसे मरीजा नाल सारा संसार भरिया पे, गुरुद्वारे मंदिर चर्च मस्जिदा, जो जप ते करदे ने जाप नहीं बनता। भोजन खून ना बने तो समझ लेना तन विच कोई नुक्स है, भजन जप जाप ना बने तो समझ लेना मन विच कुछ विकार ने, कोई नुक्स है, कोई गल है, कोई गलत वासना है, कोई गलत सोचनी है, कोई गलत चाहत है। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग मनुख नो इंज दिसदा है अपना अंत, काल काल अकाल दे नेड़े, अंत बेअंत दे नेड़े। और कहिंदे ने जद मनुख नूं जीवदिया जी अपना अंत दिखाई दे, अपने हत्थां पैरां ते इंद्रियां नूं काबू च रखदा है, बेअंत नेड़े। जिसनों अंत ही अपना चेते नहीं आ रहा, मुश्किल हो बेअंत दे चलीन हो सके। 80 साल का बुढ़ा हो गया, अजे भी जन्म दिन मना रहा है, मरण दिन कदों मनावेगा? सतगुरु ते कहिंदे ने पहला मरण कबूल, जीवन की छगास, ओए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। तो 80 साल का बुढ़ा होकर भी जन्मदिन मना रहे, अजे भी जन्म नाल जुड़े आया, मरण नाल कदों जुड़ेगा? कहो कबीर मरण मन माने, मर मर जाते जिन राम ना जाने। कबीर कहने सी ते मरना कबूल कर ले, वो बार बार मरते ने जो मरना नहीं कबूल करते, असी मरना कबूल कर ले, हम बार बार नहीं मरांगे। गल खर, कहो कबीर मरण मन माने, मर मर जाते जिन राम ना जाने। बैराग पैदा हो जाता है जे मरना दिखाई दे जाए, जीवन दे अंत दिखाई दे जाए, सब कुछ अंत है। तीसरी बाणी 10 सवैये, बहुत लंबा छोड़ा खुलासा मैं नहीं करता, एक सवैया थोड़े सामने रखा। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, पारी बुजान के धूप बली विद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। इस तरह के राजे महाराजे महान किथे चले गए, जिन्हां दी ऐसी शान शौकत सी खाक हो गए, चले गए अंत दी गोद विच, चले गए काल दी गोद विच। जैसे कोई जप करदा है, जप जाप बनदा है, ते जाप विच मनुख नूं अपना अंत दिखाई दिंदा है बार बार। ऐसा मनुख भुल के भी जन्म दिन नहीं मनाएगा, उन्हें मरण दिन नेड़े दिखाई दिंदा, अंदर बैराग, अंदर तड़पना कि हे प्रभु अंत तो पहले तेरा मिलन हो जाए। वो तड़पदा है, बिरहा बैराग। बिरहा एक अग्न है, बैराग एक अग्नि है। ते बाबा फरीद कहने ते सुल्तान है, बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तो सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहे ना उपजे, सो तन जान मसान। हैरानगी भी जिथे बिरहा नहीं पैदा होया, समझ लो ओ शमशान घाट है। क्यों? मनुख का हिरदा अग तो खाली नहीं रह सकता, ना मनुख का तन ना मनुख का मन। तन विच जठर अग्नि है, तन नूं जिंदा रखती है, मरे हुए की पहचान की भी ठंडा पै गया, हाथ पैर ठंडे। गल करो, मन विच अग्नि है तृष्णा की, मन जिंदा है। इस अग्नि नूं बदलना है बिरहे अग्न विच, बैराग दी अग्नि विच। तृष्णा दी अग्न सारे गुणा नूं जला के खाक कर देती है। तृष्णा नूं मनुख दे अंदर कोई गुण नहीं होता, चाहे वह कितना दार्शनिक होवे, ज्ञानी होवे, महान होवे, पाठी होवे, अगर अंदर तृष्णा है
तो यकीन जानो कोई गुण नहीं होगा। कृष्ण एक ऐसी अग है जला के खत्म कर देंगी, कुछ भी नहीं रहने देंगी। जप, जब जाप बन जाता है तो जाप करके तृष्णा अगन बिरहे अगन विच बदल जाती है, बैराग की अगन, बैराग की अगन, बिरहे की अगन सारे अवगुणा जला के हक कर देती है। तृष्णालु कोई गुण नहीं आता, बिरही कोई अवगुण नहीं आता, यह भी मैच कर दें, बिरही मनुख कोई अवगुण नहीं आता। तृष्णालु बार बार पदार्थों तड़पता है, बिरही बार बार परमात्मा तड़पता है, तू वो भी तड़पता है। तड़पना दोहां कोल है, शायद बैरागी कोल ज्यादा तड़पना हो गए। और इसका बड़ा भारी जिक्र इस वक्त समा नहीं, मैं इसको खुलासा करा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने और रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वहे चले जो हृदय तड़पता है, हृदय च बिरा है। नंद लाल एक शर्त लाते हैं, शाखे उम्मीद आशिक हर विस समर न गीरत, ए आशिक ए प्रेमी तू उम्मीद का बूटा लाया, इन मिलाप का फल नहीं लगेगा। भाई साहब भाई नंद लाल, दीवाने गोया भाई साहब भाई नंद लाल, इन्होंने सत किताबा ने, सत ग्रंथ ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक ग्रंथ जिसका नाम नंद लाल ने बंदगी नामा रखिया, सतगुरु ने कहा जिंदगी नाम है, जोड़ा पढ़ेगा उन्होंने रूहानी जिंदगी मिलेगी। भाई साहब भाई नंद लाल, भाई साहब कहते ने शाखे उम्मीद आशिक हर विस समर न गीरद, समर कहते ने फल, ऐ प्रेमी तू उम्मीद का बूटा लाया, इनू मिलाप का फल नहीं लगेगा, हर विस नहीं लगेगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा? अज आबे अशके मैजगां ता सबज तर न वाशद, तू अखां दा पानी इस उम्मीद दे बूटे दे ते पाया नहीं, तू तड़पया ते है, तू अखां दा जल ते इस बूटे च पाया ही नहीं, किथे मिलाप दा फल लगेगा। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जिहड़े जिहड़े सवैये लिखे ने, यकीन जानो आदमी हैरान हो जांदा है। प्रसूत की पीड़ा तो लंघे बिना कोई स्त्री मां नहीं बन सकती, बिरहे की पीड़ा तो लंघे बिना कोई मनुख ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता, भगत नहीं बन सकता। एक तन दे चों दूसरे तन नू जन्म देना है, प्रसूत की पीड़ा तो लंघना पड़ेगा। अपने मन दे चों परमात्मा नू जन्म देना है तो बहुत वड्डी बिरहे की पीड़ा चो लंघना पड़ेगा, एक रब्बी नहीं। और इस संबंधित बिरहे की पीड़ा गुरु ग्रंथ साहब बड़े शब्द इस संबंध, गुरु अर्जन देव जी के, गुरु नानक देव जी महाराज के साहिब है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक श्लोक मैं थोड़े सामने रखा, सुन ना है प्यारे, पहले पातशाह मल्ला पहला, सुन ना है प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसी अड़ा हों रुल भसमे ढे, हे प्रभु तू ते अपने निज घर दे विराजमान है, असी तेनू लभ लभ के भसम हो, ढह ढेरी हो गए, हिरदा तड़प तड़प के ढह ढेरी हो गए। धन गुरु नानक, सुपने आया भी गया मैं जल भरे आ रोए, आए न सका तुझकन प्यारे भेज न सका। बिरहे की पीड़ा है और बहुत सारे शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बिरहा बन जाता है, हिरदा तड़प है। इसे ही तड़पे हृदय चो, इसे ही बैरागी हृदय चो निकलती अरदास। तो चौथी बाणी है चौपाई अरदास, हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए, चित की इच्छा तौ चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपा। हे प्रभु ये चित तेरे चरणा च जुड़िया रहे, तेरा मिलाप बनिया रहे। अरदास जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है। और उस बैरागी हृदय से जब अरदास निकलती है, अरदास कदे व्यर्थ नहीं जाती, बिरथी कदे ना हो गई, जन की अरदास उही अरदास आनंद की प्राप्ति करा देती है। और मनुख की रसना तो निकल जाता है आनंद भया मेरी मां है सतगुरु मैं पाया, आनंद की प्राप्ति हो गई क्योंकि प्रभु की प्राप्ति हो गई।
सूरज की प्राप्ति हो गई क्योंकि चानने की प्राप्ति हो गई है, आनंद की प्राप्ति हो गई है, इस वास्ते प्रभु की प्राप्ति हो गई है, गुरु का मिलन हो गया है। जप जाप बन जाता है, जप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाता है, अरदास आनंद बन जाता है। अध्यात्मक मंडल दिया एक पांच स्टेजा, जप जाप सवैये चौपाई आनंद अगां चली गए। पंज बाणियां खालसे की झोली च पाइया, पंज ककार भी झोली च पाए, पंज ककार तन ले, पंज बाणियां मन ले। पंज ककारां दी गल मैं कल आपके सामने करांगा, कुछ मजबूरी है क्योंकि मेरे आन तो पहले जिस ढंग के नाल प्रणाम गुरमुख प्यारिया ने, ज्ञानी अनूप सिंह ने, ज्ञान सिंह जी सुरजीत ने बना रखे सन, उस ढंग नाल मैं चलता पाया। इतों लिस्टर में पहुँचना है, हाजिरी भरनी है, प्यार के सफर भी है, तो गुरु शब्द व्याख्यान दरबार है, भावें मेरा शरीर भी कुछ ऐसा ही है, पर संतों के प्यार में मुख रखने में थां थां पर हाजिरी भरता पाया। पर मैं खुद महसूस भी हो रहा है एक सब्जेक्ट मैं ऐसा छेड़ बैठा जो समा मंगता है, वक्त मंगता है, और पता नहीं गुरु ने मेरे को क्यों छुड़वा लिया। एक कई महीनों की कथा है, तो बाद मैं ख्याल आया भी मैं तो इतने हफ्ता रहना है, तो मैं छेड़ बैठा पांच कर्म, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच शरीर, पांच तत्, पांच विकार, और फिर पांच बाणियां, और फिर पांच ककार, फिर पांच खंड, इतने एक महीना मन बैठ। फिर कभी नदी नाव संजोगी मेला होया, थोड़े प्यार में मुख रखते हुए महापुरुखों के हुक्म मुख रखते थोड़े चरण फिर जो है प्रसंग है। इस वक्त इतने समाप्ति, कल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बख्शिश की तुच्छ बुद्धि अनुसार गुरमत रहनी बैनी पन ककारा की आप गल करांगे। अज इतने समाप्ति, सारिया का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल चुगली क्षमा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।